नमस्कार, यस टीवी पर इस समय के मुख्य समाचार इस प्रकार से हैं। हरियाणा में पिछले 4 साल से सरकारी अधिकारियों व खनन माफियों की मिलीभगत से अवैध खनन का कार्य चल रहा है। किसानों व मजदूरों ने लगातार इसके खिलाफ आवाज उठाई है, लेकिन सरकार द्वारा किसानों व मजदूरों की आवाज दबा दी गई। राकेश दलाल हिसार से, और हमारा अपना नया संगठन तो अभी हमने बनाया है, राष्ट्रीय वीर किसान मजदूर संगठन, और उस संगठन के माध्यम से हम किसानों की और मजदूरों की आवाज़ें उठाएंगे। वो जो हरियाणा के अंदर अवैध माइनिंग का मुद्दा चला हुआ है, इसमें सरकार की शह से लोगों ने अवैध माइनिंग कर जनता के खजाने को बहुत लूटा है, और सरकार जो है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आज गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, अपने विरोधियों के खिलाफ तो कार्रवाई कर रही है, लेकिन सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग जो अवैध खनन में लगे हुए हैं, उनके खिलाफ जांच करने के लिए भी तैयार नहीं है। हम कहते हैं कि आप अखिलेश यादव के खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए अगर उन्होंने अपने कार्यकाल में कोई गलत कार्य किया, लेकिन जो आपकी सरकार हरियाणा के अंदर है, जो अवैध माइनिंग में लगी हुई है, आपको इनके खिलाफ भी जाँच बिठा देनी चाहिए। और जो किसान और मजदूर लगातार 3 साल से लगे हुए हैं, चौधरी धर्मवीर सिंह भी जो है 3 साल से अपनी आवाज को उठा रहे हैं, लेकिन बार बार उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। उन्होंने हज़ार बार कहा है कि सीबीआई की जांच करवाई जाए, और यहाँ अवैध माइनिंग में जो लूट मची है उस ठेकेदार से, उस लूट की रिकवरी की जाए और जनता के खजाने को या सरकार के खजाने को भरा जाए, लेकिन सरकार और कोई भी अधिकारी उनकी आवाज़ को नहीं सुन रहा है। जब इतने बड़े आदमी की आवाज़ की सुनवाई नहीं हो रही है, तब आम इंसान की कहाँ होगी? तब फिर हम दोबारा से आपको कहते हैं, अगर अखिलेश यादव के ऊपर आप जा रहे हैं, तब आपको अपनी सरकार की भी जांच बिठा देनी चाहिए यहाँ पर। और डाडम के अंदर अवैध माइनिंग जो हुई है, उसकी जांच नए सिरे से सीबीआई को दे देनी चाहिए आपको। और उसके अलावा यमुनानगर के अंदर, इंद्री के अंदर, पलवल के अंदर, महेंद्रगढ़ के अंदर, नारनौल के अंदर, इतना अवैध खनन जो आप लोगों ने करवाया है, उसकी हर पॉइंट से जांच करवा देनी चाहिए। चंडीगढ़ से विनोद कुमार की रिपोर्ट। समय समय पर ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए यस टीवी।